नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। और ये देखो, आज मैंने कुछ पहली बार ऑनलाइन फ्रूट प्लांट मंगाए हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मेरा खुद का दिल भी थोड़ा सा धड़क रहा है कि किस तरह से ये आए होंगे 10 दिन में, क्योंकि लगे हैं इनको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो किस कैसी हालात में ये मुझे मिलेंगे। हालाँकि ऊपर से डब्बा देख के बहुत अच्छी सी है ना एहसास हो रहा है कि पैकिंग अच्छी की हुई है उन्होंने। तो ये मैंने लास्ट टाइम फरवरी में मंगाए थे, लास्ट ईयर ही, पर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तो आ नहीं पाए थे। तो अब जब ओपन किया होगा उन्होंने तो खुद का ही कॉल उनका आया मेरे पास कि अब आप मंगा सकती हैं। तो मैंने ना उसी प्राइस में फिर मंगाए हैं। ये थोड़े से महंगे तो पड़ते हैं ऑनलाइन जो फ्रूट प्लांट है हमारी नर्सरी में, 150 रुपये का एक ग्राफ्टेड प्लांट मिल जाता है कॉमनली, जो मतलब अच्छे कॉमन फ्रूट्स होते हैं उनके, और है ना ये मुझे जस्ट डबल प्राइस पे पड़े हैं। और चार मैंने फ्रूट प्लांट मंगाए हैं, एक तो थाई मैंगो मंगाया है मैंने जो सारे साल है ना फ्रूटिंग करता है, एक मैंने कमरक का स्टार फ्रूट मंगाया है, मैंने मिलता नहीं है वो मुझे यहाँ पे, एक मैंने एप्पल बेर ग्राफ्टेड वाला मंगाया है, बड़े जो ग्रीन बेर होते हैं, और एक मैंने फालसे का प्लांट मंगाया है, मुझे बहुत पसंद है फालसा और कहीं भी मुझे नहीं मिलता। राजस्थान में ये चारों ही जो है प्लांट्स बहुत आराम से लगते हैं, तो मैंने अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भी मंगाया है। हालांकि बड़े यूनिक प्लांट्स थे उनके पास फ्रूट प्लांट्स, तो मैं आगे अगर ये अच्छे चल जाते हैं तो और भी कोशिश करूँगी कि मंगाऊँ। और ग्राफ्टेड प्लांट मंगाने का ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आप पॉट्स में आराम से उनको ग्रो कर सकते हो बहुत ज़्यादा लंबाई में, और उसमें नहीं बढ़ते हैं वो और जल्दी फ्रूट्स देने लग जाते हैं वो। तो ये मैंने है ना चार प्लांट जो है मंगाए हैं, और कितनी बढ़िया पैकिंग में ये निकले हैं। देखो बॉक्स के अंदर भी लंबाई एक बॉक्स है, फिर उसमें सूतली से बंधे हुए हैं प्लांट्स, और प्लांट्स की भी बहुत अच्छी पैकिंग है ये। देखो आप, थर्मोकोल लगा हुआ है ऊपर और टेपिंग की हुई है पूरी अच्छी तरह से, हर जगह से बंधे हुए हैं और ग्रीन बिल्कुल पत्तों के साथ निकले हैं 10 दिन बाद भी, अच्छी नमी बना के उन्होंने रखी है इसमें, तो अच्छी हालात में निकले हैं प्लांट्स। तो खुश हूँ मैं, चारों प्लांट्स अच्छे निकले हैं मेरे। और अब मैं, उन्होंने ही इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं फ़ोन करके कि किस तरह से इनको रखना है, 1 महीने तक इनको है ना आपको चेंज नहीं करना है और नमी बना के रखनी है, ओस से बचा के रखना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैं रखूँगी इनको, अच्छे चल जाएं जिससे ये, क्योंकि महंगे भी पड़ते हैं थोड़े से ऑनलाइन फ्रूट प्लांट आप मंगाओ तो। दिल तो मेरा खुश हो गया है। तो अब मैं इनको एक साल बाद ही चेंज करूँगी। ये देखो थाई मैंगो का अच्छा सा है ना, सब सारे चारों प्लांट्स बिल्कुल ग्रीन निकले हैं, और ये 2 फीट के करीब की हाइट के हैं, 1.5 से 2 फीट के करीब की हाइट के, 6 इंच का ये पॉट है जिसमें इन्होंने इनको ना लगा के भेजा है, और बिल्कुल पैक करके अच्छे से थर्मोकोल वगैरह लगा के उसके बाद टेपिंग की है अच्छी सी। ये फालसे का है देखो आप, ये फालसे वाला ग्राफ्टेड नहीं है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होता ग्राफ्टेड वाला, और मैंने वही कोशिश की है मंगाने की जो मेरी लोकल नर्सरी में मुझे नहीं मिलते अक्सर प्लांट्स जो ग्राफ्टेड, तो मैंने कहा थोड़े यूनिक लगाने का भी मुझे शौक है, और नॉर्मल वाले तो सारे मेरे पास अमरूद अनार चीकू अंजीर ये सब तो है मेरे पास तो मैंने ये नहीं मिल रहे थे जो थोड़े से मुझे शौक है जिनको लगाने का वो मैंने मंगाए हैं। और आप लोगों को भी अगर इच्छा हो और कुछ ना मिल रहा हो तो मंगा सकते हैं ऑनलाइन, बस थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, पर यही है ना कि शौक अगर है और एक अच्छा प्लांट आपका बरसों के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तैयार रहती हूँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मनी देने के लिए भी। बहुत सारी साइट्स हो गई हैं आजकल है ना जिनसे आप ऑनलाइन प्लांट्स परचेज़ कर सकते हैं, और मुझे बेसिकली फ्रूट एंड वेजिटेबल का ही शौक है तो मैं ज़्यादातर यही मंगाती हूँ, अदरवाइज़ हर तरह के मंगाते हैं लोग। तो देखो ये बढ़िया निकले हैं, मैं तो खुश हो गई, नहीं तो मुझे थोड़ी टेंशन थी कि इतने पैसे लगा के भी अगर एक टहनी वाला एक पत्ते वाला अगर फ्रूट प्लांट आता है तो कैसा लगेगा, पर ये बढ़िया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा, और ये आइडिया भी अच्छा है अगर आप लोगों को नहीं मिलते तो ऑनलाइन मंगाने का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ रहने के लिए। नमस्कार।